हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेमेडी लाया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने सिर के जुएं और लीक से छुटकारा पा सकते हैं, और वो भी कुछ घरेलू चीज़ों की मदद से। फ्रेंड्स, कितना बैड फील होता है जब हम किसी के साथ बैठे होते हैं और हमारे सिर में से जुएं निकल कर आए, और तब हम कुछ बोल ही नहीं पाते क्योंकि बहुत ही शर्मिंदा फील होता है, और इससे हमारी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ छोटे बच्चों में नहीं पाई जाती, बल्कि बड़े बुजुर्ग को भी इसका सामना करना पड़ता है। मनुष्य के सिर में खून चूसने वाला ये जीव किसी को भी अपना शिकार बना सकता है, जिससे बालों के जड़ कमज़ोर हो जाते हैं और बाल ज़्यादा झड़ते हैं। लेकिन अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊँगा जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से लीक और जुएं से छुटकारा पा सकते हो, और बालों को बहुत ही हेल्दी और मजबूत बना सकते हो। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्लीन बोल लेना है, और जिसमें आपको 4 से 5 कपूर को ऐड करना है। अब आपको इनका पाउडर बना लेना है। अभी आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच वैसलीन। वैसलीन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपको 1 चम्मच वैसलीन इसमें ऐड करना है, ये देखिए इस तरीके से। अभी आपको कपूर और वैसलीन को मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो वैसलीन अब पहले से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है और कपूर भी अच्छे से घुल गया है। मैंने वैसलीन का यूज़ क्यों किया ना, वैसलीन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी यानी चिपचिपा होता है, और जब आप इसे बालों के जड़ों में लगा लेते हैं तो जुएं इधर उधर भाग नहीं पाते और वो एक ही जगह पर चिपक कर बैठ जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने यूज़ किया है वो है कपूर। कपूर का इस्तेमाल पूजा करने में, दिया जलाने में किया जाता है। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और इसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जिसके वजह से जुएं मर जाते हैं और बहुत ही आसानी से आपके बालों से रिमूव हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल आपके बालों के ऊपर कब और कैसे करना है। इसका इस्तेमाल आपको रात में सोते समय आपके बालों के ऊपर करना है। आपको इसे अपने हाथों के ऊपर इस तरीके से लेना है और अपने बालों के जड़ों में इसे अच्छे तरीके से लगा लेना है। और पूरी रात अपने बालों के ऊपर ऐसे ही छोड़ देना है। और दूसरे दिन आपको एक कंघी लेना है। आपको इस तरह से कंघी को यूज करना है, और ये कंघी बहुत ही आसानी से मार्केट से 5 या 10 रुपए में मिल जाएगी। आपको दूसरे दिन इस कंघी से बालों को कंघी करना है। जब आप इसे कंघी कर लेंगे तो आपके जुए और लीखे बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाएगी, और उसके बाद अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लेना है। इसका इस्तेमाल आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना है। उसके बाद आपके बालों से सारे जुए और लीख दूर हो जाएंगी, और आपके बाल पहले से ही हेल्दी और मजबूत हो जाएंगे। तो आप इन नुस्खों का ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे साथ आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।